जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में एक रोजगार सहायक पर सरपंच उप सरपंच समेत ग्रामीणों ने 80 लाख से अधिक रुपए के गबन करने का आरोप लगाया। उन्होंने पामगढ़ एसडीएम को लिखित रूप में ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की, साथ ही तत्काल रोजगार सहायक को हटाने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने तत्काल जाँच के लिए आदेश दिए, जहाँ जाँच के लिए जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित किया। मामला ग्राम पंचायत बोरसी का है। ग्राम पंचायत बोरसी के सरपंच लीलाबाई और उप सरपंच जानकी सहित ग्रामीणों ने शासन के हितग्राही योजनाओं का रास गबन करने का आरोप रोजगार सहायक चंदन भारद्वाज पर लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री इंदिरा आवास की राशि में हेराफेरी की है, नरेगा कार्य के दौरान मजदूरों को होने वाले भुगतान राशि का भी गबन किया। इसी तरह गौठान निर्माण में मिलने वाले राशि का पूरा खर्च नहीं करते हुए शेष राशि को भी डकार गया। हमेशा कार्य अवधि के दौरान शराब के नशे में धुत रहता है, साथ ही हितग्राहियों को डराने धमकाने का कार्य करता है। इन सभी से परेशान होकर ग्राम की महिला सरपंच और उप सरपंच पंच और ग्रामीणों ने एसडीएम आर के तंबोली को लिखित आवेदन प्रस्तुत कर तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। पामगढ़ एसडीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के लिए जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित कर दिया। जांच के उपरांत रोजगार सहायक पर कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम ने बताया इस संबंध में शिकायत मिली है, जिस पर रोजगार सहायक को जवाब तलब किया गया था, जिसमें उन्होंने किसी प्रकार के गड़बड़ी नाम से भैया यह का है इंदिरा आवास के पैसा नहीं दे, 108 आदमी के 15,000 रुपया तेला नहीं दे, तो और दूसरी बात का है वो शराब पी के गड्ढा चलाते, गौठान के पैसल गमन करे स्वीकृत राशि रिश्ते में के कम से कम 2 लाख के काम हो जे मक 10-11 लाख के बोला स्वीकृत रिश्ते ओकर बाद में है तो इंदिरा आवास के जो उन्हें तो हर आदमी करे पैसा ले लेके कौन ये रोजगार सहायक ले चंदन भारद्वाज का थे और पिता धरमलाल भारद्वाज है और यह आवास के पैसा ले ले है जमा मोला गांव के आदमी मन आवेदन दिए गए हैं। आवेदन देते में ओकर जॉब कार्ड हुआ है और वहाँ कर आधार कार्ड है और ओकर बैंक पासबुक है, तोला पूछा गया कि का करनी पार्टी के पूरा विवरण हमें लिखा है, बोला मैं रखे हूँ घर में पूरा स्थायी रूप से जे दिन गवर्नमेंट कही ते दिन मैं ला तोला सामने में प्रस्तुत करी हूँ। कम से कम नहीं तो हमारे गाँव के 80-90% आदमी पैसा नहीं पाए पूरा गड्ढा के कहाँ लगा थे आप मतलब कते कम पैसा गमन करे हुए वो कम से कम 80-90 लाख रुपया ज़्यादा के गमन लगा थे। एक बारे में कहाँ कहाँ आवेदन लगाए? एक बारे में आवेदन लगाए हैं एडीएम साहब यहाँ लगाए हैं और ये हमारे जनपद सीओ करा लगाए हैं, ये दो जगह मैंने लगाए हैं। अभी कम नहीं हुई कार्रवाई, मैं कलेक्टर जगह जहाँ पूरा मैं वो कागज सुधा वो सबूत सुधा मैं सौंपी हूँ का जी सर बताएंगे बोरसी वाला मामला जो आया है रोजगार सहायक के द्वारा करोड़ों रुपये का गबन किया सर, इसके बारे में क्या? एक शिकायत ग्राम पंचायत बोरसी की सरपंच और उप सरपंच की ओर से प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि पंचायत में जो रोजगार सहायक है उनके द्वारा कई कार्यों में अनियमितता बरता गया है। इसके संबंध में नोटिस भी जारी किया गया था मेरे द्वारा और जवाब दिया गया है और उनके द्वारा ये कहा गया है जवाब में कि मेरे द्वारा ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया गया है, तो उसकी पुष्टि के लिए जांच के लिए सीओ को लिखा गया है, तो वास्तविकता उसी से पता चलेगा जैसा सीओ का रिपोर्ट प्राप्त होगा।